हनुमान चालीसा जो हनुमान जी की वो साधारण चालीसा नहीं है, अगर उनका अनुष्ठात्मक रूप से प्रयोग करो तो बहुत कल्याणकारी है महाराज। एक एक चौपाई एक एक मंत्र है। किसी को भूत पिशाच इत्यादि का कष्ट हो रहा है, सवा महीने का अनुष्ठान उठा लीजिए, हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा की एक चौपाई का, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये संपुट पकड़ करके पूरी हनुमान चालीसा बोलो, घी का दीपक जला करके जल के सामने। जिस भी व्यक्ति पर भूत प्रेत इत्यादि का चाहे कैसा भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव हो, प्रतिदिन उसे जल पिलाओ और ये उसके सामने पढ़ो संपुट के साथ, सवा महीने के अंदर बाहर हो जाएगा, चाहे उसे कितने वर्षों से पकड़ रखा हो। कैसे करोगे ये अनुष्ठान? ऐसे करना है, हनुमान जी के अब चित्रपट रखना है अपने समक्ष, पीला वस्त्र नीचे बिछा कर रखना है, बट के वृक्ष के पत्ते चार लेकर आकर के उसके ऊपर भुने चने रख लें, गुड़ रख लें, बूंदी रख लें, धूप जला दें, घी का दीप जला दें, प्रार्थना करें, जल का कलश रख दें कि इस व्यक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, बाबा आपकी आवश्यकता है इसके जीवन की, आप रक्षा सुरक्षा करें, जो भी व्याधि इसके अंदर है वे सब बाहर हो जाए, बीमारी भी हो तो भी। कैसे पढ़ोगे हनुमान चालीसा? कैसे पढ़ते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज करके पढ़ते हैं ना, वहां पर पहले पढ़ेंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक संपुट फिर चौपाई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर न्यू रघुवर विमल जसू जो दायक फल चार, फिर संपुट से बंद कर देंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आगे पीछे बीच में चौपाइयों को बंद करके संपुट लगाएं। इस तरह से करोगे सवा महीने के अंदर ही अंदर चाहे कितनी भी बड़ी व्याधि क्यों ना हो उस व्यक्ति के साथ निकाल कर बाहर कर देते, उसी जल को पिलाना जो जल के सामने पढ़ोगे। अगर किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, घर में व्याधि है, कष्ट है, झगड़ा बहुत ज्यादा होता है घरों में, कलह शांत नहीं हो रही है, हो सकता है कोई बुरे प्रारब्ध हो, कभी कभी हमारे से गलत कर्म बन जाते हैं, उसके कारण भी कईयों की आहें हमारे घरों में घूमती हैं महाराज, उसके लिए है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये संपुट की चौपाई लगाकर हनुमान चालीसा पढ़े। सालों साल से आपका कोई बहुत जरूरी काम बन नहीं रहा, जमीनी जायदाद जो भी हो, कर्जा इत्यादि नहीं चुक रहा, ऐसे में आप 3 महीने का अनुष्ठान करें और ये चौपाई का संपुट लगा के, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, 3 महीने में ही हो जाएगा महाराज। ये सब अनुष्ठात्मक रूप है हनुमान चालीसा के और इनके प्रमाण है, बहुत लोगों के अपने अपने अनुभव है इनसे, तो हनुमान चालीसा को आप साधारण नहीं समझिएगा, वो एक तरह से यांत्रिक कार्य करने वाली चालीसा है जिसको लोग साधारण में ले लेते हैं।